सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि यार काफी मस्त मस्त ट्रिक्स होने वाली है। हाँ फ्रेंड्स यार, काफी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब यार काफी दिन हो गए मेरे को यार, 40 से 50 दिन हो गए होंगे आज यार मैं काफी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को और काफी मस्त वाला वीडियो भी बनाया। सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ और आपको बता देते हैं टॉप 5 सिंपल ट्रिक्स। तो अभी अपन आज को अपने फर्स्ट नंबर की सिंपल ट्रिक पे, तो फर्स्ट नंबर की सिंपल ट्रिक को करने के लिए आपको यार आ जाना है भीमा शक्ति पे। तो भीमा शक्ति पे आपको यार ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोकेशन वगैरह अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपको यार एक जीप लेके आ जाना है, मतलब कोई सी भी जीप लेके आ जाओ, कोई सा भी व्हीकल लेके आ जाओ। यहाँ पे फ्रेंड्स यार मैं अभी ये वाला ट्रक लेके आ चुका हूँ और यार यहाँ पे आपको ट्रक को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है ताकि यार यहाँ पे ये जो तंबू है ना, इस तंबू के ऊपर आप कुछ इस तरीके से इजी तरीके से चढ़ जाओ। तो देख लेना चढ़ के इस तरीके से आप चढ़ पा रहे हो या नहीं। फिर आपको यार क्या करना है, ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से सेट कर देना है ना। तो यहाँ पे पहला ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से, दूसरा यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यार यहाँ पे मैंने क्या करती गलती कर दी थी है ना, दूसरा ग्लू वॉल मेरे को थोड़ा सा आगे करके लगाना था, यहाँ पे यार मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। तो यार यहाँ पे मेरे से होगा नहीं, बाकी यार यहाँ पे देखो चौथे ग्लू वॉल मेरे टीममेट की मदद से हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार यहाँ पे मैं एक ग्लू वॉल के ऊपर जाना है, फिर यार यहाँ से इधर जाना है, फिर आपको यार कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर जंप करना है। बाकी यार यहाँ पे मैं जंप बराबर से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि यार यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस कम रह गई, तो वो डिस्टेंस को पूरी करने के लिए यार यहाँ पे मेरा टीममेट है ना, उसने यार यहाँ पे एक ग्लू वॉल इन्वेस्ट कर दिया है ना। तो फिर यार मैं फटाफट से गया ऊपर के साइड में और फिर यार यहाँ पे अभी ये वाली बार में हो जाएगा क्योंकि यार यहाँ पे मेरा जो टीममेट है ना, उसने यार डिस्टेंस को कम कर दिया है। तो फिर यार यहाँ से मैं इधर के साइड में इसी तरीके से चले जाऊंगा और फिर यार मैं भीमा शक्ति टावर के ऊपर, मतलब भीमा शक्ति जिमनी के ऊपर यार बीचों बीच में चले जाऊंगा और यार वहां से किसी भी बंदे को अपन मारेंगे ना तो उसकी यार भाई मतलब पेटी बन जाएगी, पेटी भी बनेगी और यार उसको हेड ही हेड पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स यार व्यू भी कितना अच्छा आता है और यार यहाँ से मतलब और भी ऊपर आप जा सकते हो। तो देखो मैं अभी कितना ऊपर हूँ और इतना ऊपर यार ज्यादा कोई बंदे नोटिस भी नहीं करते, मतलब यार कोई तो नहीं देखता है, मतलब यार 10 में से एक आध बंदा ही भीमा शक्ति के बीचों बीच देखता होगा, मतलब इतना ऊपर तक देखता होगा। और यार यहाँ पे देखो सिर्फ इतना ही ऊपर जा पा रहा हूँ, मतलब यार भीमा शक्ति के बीचों बीच में आप आ जाओगे, बाकी यार यहाँ से इतना ऊपर नहीं आ पाओगे ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आप चारों साइड गोल गोल घूम भी सकते हो, बाकी यार यहाँ पे मैं गोल गोल घूमूंगा, मतलब ज्यादा नहीं घूमूंगा। और यार यहाँ पे मेरे पास मतलब बंदे बुलाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास साइलेंसर था तो यार मैंने साइलेंसर निकाल दिया और यार बंदे बुलाए थे ना तो काफी देर बाद यार यहाँ पे बंदे आ गए थे, मतलब पूरा का पूरा स्क्वाड आ गया था सामने की साइड से और यार मैंने उधर एक बंदे को डाउन भी कर दिया था। तो मेरा टीममेट यार काफी दूर थे, तो यार मैंने क्या किया यहाँ पे कवर में रहने की सोचा है ना, और साइलेंसर भी लगा लिया था कि यार मेरा लोकेशन उनको शो नहीं हो, बाकी यार लोकेशन तो शो हो गया है कि यार बंदा किधर से मार रहा है, बाकी यार मैंने फिर भी साइलेंसर लगा लिया और यार पूरे कवर में रहने की सोचा है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार मैं पूरा का पूरा कवर में रहूंगा, मतलब यार काफी मतलब मेरा जितना एम आएगा ना उतना ही मतलब मैं बाहर निकलूंगा, बाकी यार मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो एक और बंदे की यार मैंने यहाँ पे सुताई करी, दूसरे टीममेट को भी उसको सूता है ना, तो दोनों बंदे को सूद दिया और यार थोड़ा और ऊपर चलते, मतलब थोड़ा हेडमेट लगेगा तो हेडमेट लगने के लिए थोड़ा और ऊपर, अरे भाई साहब सच्ची में हेड लग गया और यार एक और बंदा डाउन हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार मैंने उसके दो टीममेट को टपका दिया, वो भी फ्रेंड्स यार हेडशॉट के साथ, तो और मतलब मेरे टीममेट देखो यार कितना दूर है, तो मेरे को यार थोड़ा इनको थोड़ी देर तक और हैंडल करना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे देखो जोन आ गया था पीछे की साइड से, तो फिर यार मैंने धीरे धीरे करके नीचे उतर गया ना, तो उसका एक टीम मतलब टीममेट भी घूम के आ रहा था, देखो फ्रेंड्स यार वो उधर से घूम के आ रहा था। तो यार मैं फटाक से नीचे आ गया और यार मैं कवर में आके बैठ गया, तो वो जैसे जैसे मेरे पास में आया तो फिर यार मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया, मतलब हेड भी दिया है ना, तो उसने कोविड लगा लिया, मतलब कोरोना वायरस लगा दिया। फिर यार मैंने यहाँ पे मतलब ग्लू डाल दिया और एक और डैमेज दिया, फिर यार M8 2B से कोई मार रहा था, तो यार मैं फटाफट से वहां से निकल के इधर आ गया ना। इतने में यार मेरे टीममेट आ गए, तो उन्होंने यार सब कुछ समझ लिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार ये वाली ट्रिक काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी मस्त वाली ट्रिक थी, मतलब यार बंदे को पता नहीं चल रहा था, काफी ज्यादा घुमाया मैंने है ना। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी होता है लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने दूसरे नंबर की ट्रिक पे। तो अभी अपन आज को अपने दूसरे नंबर की सिंपल ट्रिक पे, तो दूसरे नंबर की सिंपल ट्रिक को करने के लिए आपको यार आ जाना है सीपीआर में। तो सीपीआर में फ्रेंड्स सर आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स सर आपको बुल्सा है और यार सीपीआर के बीच में ये वाला लॉन्च पैड देखने को मिलता है, तो उसी लॉन्च पैड का आपको यार यूज करना है और यार लॉन्च पैड को इस तरीके से सेट करने को आती है, यार आपको लॉन्च कर देना है। तो आप लॉन्च जैसे ही करोगे ना तो आप यार यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर आ जाओगे, तो मतलब यार यहाँ पे इस पेड़ के ऊपर यार आप यहाँ पे कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वे वगैरह कर सकते हो, बाकी यार यहाँ पे काफी देर तक सर्वे वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि यार ये वाला
जो पेड़ है ना वो यार मैप के बीचों बीच में नहीं है, मतलब यार बुलसाय और यार सीपी आर्ट के बीच में है। मतलब यार यहाँ पे आप बुलसाय के बंदों को मारने के लिए वाली ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार मैंने यहाँ पे काफी देर तक जूम इन जूम आउट किया था, काफी देर तक यार यहाँ पे मतलब ये किया था है ना, तो यार यहाँ पे एक बंदा सच्ची में आ गया था मेरे रेडार में, तो यार मैंने उसको टपका दिया था। किस तरीके से टपकाया था वो अभी देख लेना ना। तो मैं यार ऐसे ही मतलब फायरिंग वगैरह मतलब कर रहा था, मेरे पास साइलेंसर था, मतलब यार इस वाले गेम में भी साइलेंसर था ना, तो यार वो मतलब साइलेंसर था तो वो यार निकाल दिया। तो एक बंदा यार वहाँ पे था वो वाले घर के अंदर, तो वो यार कोरोना लगा के बैठा था, तो यार देखो यहाँ पे कोरोना लगा के बैठा था तो यार उसको डैमेज नहीं लग रहा था। बाकी यार उसका जैसे ही कोरोना टूटा ना तो वो बेचारा यार पागल हो गया, मतलब यार उसको पता ही नहीं चला किधर से पड़ी। देखो यार यहाँ पे उसको पड़ी पड़ी और पड़ी थोड़ी बहुत और पड़ी और वो कवर में चल गया, फिर और पड़ी और यार बंदा इसी तरीके से खत्म हो गया। तो ये फ्रेंड्स यार रैंक गेम था, और यार रैंक गेम में बेचारे क्या बनने रैंक माइनस कर दी। तो ये फ्रेंड्स यार अच्छी ट्रिक हो सकती है सिर्फ बुलसाय के बंदों को मारने के लिए। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी होता है लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने तीसरे नंबर की सिंपल ट्रिक पे। तो अभी अपन आ चुके हमने तीसरे नंबर की सिंपल ट्रिक पे। तो तीसरे नंबर की सिंपल ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना हिंगर में। तो हिंगर में फ्रेंड्स आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं, और यार यहाँ पे आपको एक व्हीकल लेके आ जाना है। व्हीकल में फ्रेंड्स आप जीप वगैरह लेके आ जाओ, और यार जीप लेके आओगे ना तो ये वाली ट्रिक अभी यार परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यार ये वाली ट्रिक में आपको यार थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने जो कार है ना उस कार से मैंने जो टक्कर मारी अपने टीममेट को, तो मेरा जो टीममेट है ना वो यार उस टावर के अंदर चले गया, इस टावर के अंदर चले गया है। देखो फ्रेंड्स जो मेरा टीममेट है ना वो इस टावर के अंदर चले गया, एक टीममेट है ना, तो किस तरीके से गया यहां पे देखो। अभी वो जो मेरा टीममेट है ना वो बाहर निकलेगा, तो निकल जा भाई। तो देखो फ्रेंड्स यार यहां पे मेरा जो टीममेट है ना वो यार बाहर निकल के साइड में आ गया है। तो आप यार किस तरीके से अंदर जा सकते हो टावर के अंदर, तो आपको क्या करना है, यहां पे जो गेट है ना उस गेट के पास में आपको यहां पे कुछ इस तरीके से आके बैठ जाना है। तो आप जैसे ही बैठोगे तो अपने टीममेट को बोलना है कि कार से भाई टक्कर मार, तो जैसे ही आपको टक्कर मारेगा ना तो आप यार अंदर के साइड में आ जाओगे। और यार कार की स्पीड को आपको मतलब 10 से 15 मतलब 15 किलोमीटर और से रखना है, तो आप यार इजी तरीके से आ जाओगे ना। तो स्पीड को यार उतना ही रखना 10 से 15, तो आप यार इजी तरीके से आ जाओगे अंदर है ना। तो ये फ्रेंड्स यार काफी सिंपल ट्रिक है, काफी अमेजिंग ट्रिक है, और यार काफी मतलब हाइट होने वाली प्लेस भी है ना, तो जो अपना जो रोनाल्डो कैरेक्टर है ना उससे यार बचने के लिए ये वाली ट्रिक काफी ज्यादा काम की है। जो कोरोना है ना उससे यार बचने के लिए यार काफी ज्यादा काम की ये वाली ट्रिक है। तो देखो यार मैं इस टावर के अंदर हूँ, अभी आप समझ चुके होंगे कि यार किस वाले टावर के अंदर हूँ है ना। और यार ये वाली ट्रिक है ना वो ये सिर्फ मतलब सॉलिड प्लेस पे ही वर्क करती है, मतलब यार कुछ प्लेस पे वर्क करती है, और यार काफी अच्छी प्लेस है, मतलब ये वाली ट्रिक काफी अच्छी है। तो आपको यार ये वाली ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने नेक्स्ट नंबर की ट्रिक पे। Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. तो अभी अपन हमने चौथे नंबर की सिंपल ट्रिक पे। तो चौथे नंबर की सिंपल ट्रिक को करने के लिए आपको रह जाना हिंगर में। तो हिंगर में फ्रेंड्स आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, और यार यहाँ पे आपको मान लेना है ऊपर के साइड में कोई बंदा बैठा हुआ है ना। तो मान लो फ्रेंड्स यार ऊपर के साइड में कोई बंदा है, तो आप यार कुछ को इस तरीके से मारते हो, ग्रेनेड वगैरह करते हो ना, तो यार ये वाली ओल्ड टेक्निक है ना, ग्रेनेड वगैरह करो और फिर यार रस करो उसको डैमेज वगैरह लगे तो है ना। तो अभी फ्रेंड्स यार यहाँ पे मान लो ये जो बंदा है ना, ये जो डिकोल ग्रेनेड है ना वो यार बंदा है, तो आप यार उसको एक नई टेक्निक से किस तरीके से मार सकते हो वो देखो है ना। तो आपको यार क्या करना है, फटाफट से नीचे की साइड में रहना है, और यार नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से दो ग्लू होल सेट कर देना है, फिर आपको यार यहाँ से इधर के स्कोप खोल के इधर, फिर दूसरे ग्लू होल के ऊपर जंप और इधर से इधर, और यार इस विंडो से अंदर, और फिर यार आप बंदे के पास में आ जाओगे, और यार फिर यार इसको इजी तरीके से बंदे को इस तरीके से डपका सकते हो। तो ये वाली न्यू वाली टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ये वाली टेक्निक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, इससे फ्रेंड्स यार आप इजी तरीके से बंदे को मार सकते हो वाली टेक्निक से ना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने नेक्स्ट नंबर की ट्रिक पे, मतलब यार पांचवें नंबर की ट्रिक पे चलते हैं। तो
पांचवें नंबर की सिंपल ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है क्लॉक टावर पे, तो क्लॉक टावर पे फ्रेंड्स सर आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है। मतलब यार आप लोकेशन वगैरह अच्छे से देख लो, क्लॉक टावर पे फ्रेंड्स सर आपको बाहर के साइड में पीछे की साइड में आ जाना है और यार ये वाली लोकेशन पे आ जाना है। लोकेशन यार आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे आपको एक ग्लू होल लेके आना है और यार ग्लू होल को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। फिर आपको यार इधर से दौड़ते दौड़ते ग्लू होल के ऊपर जाना है और यार जंप कर देना है। फिर आपको यार यहाँ से इधर के साइड में एक और जंप कर देना है। मतलब इस पेड़ के ऊपर यार आप कुछ इस तरीके से इस जॉयस्टिक के ऑप्शन का यूज करके आप यार इस पेड़ के ऊपर इसी तरीके से चढ़ सकते हो और यार यहाँ पे आप बैठ सकते हो, कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वे वगैरह कर सकते हो और यार बंदों की सुताई वगैरह भी कर सकते हो। तो सो फ्रेंड्स यार यहाँ पे मैंने मतलब काफी देर तक मतलब कैंप तो नहीं बोलेंगे, किसी दूसरे गेम के अंदर काफी देर तक कैंप किया था और यार एक बंदे को पेटी भी बना दिया था। मतलब यार यहाँ से मतलब तीन चार बंदों की सुताई वगैरह की थी और यार टॉप टू किया था। तो ये फ्रेंड्स यार काफ़ी ओपी मैच था ये मेरे लिए। तो ये मतलब यार मैं क्लॉक टावर पे उतरता हूँ ना तो यार यहाँ पे आ जाता हूँ मतलब गेम वगैरह करने के लिए, सर्वे वगैरह करने के लिए, रैंक बूस्ट करने के लिए। अगर मेरे को रैंक बूस्ट करना है ना तो और यार मैं क्लॉक टावर उतरता हूँ तो यार यहाँ पे ये वाली ट्रिक का यूज़ कर लेता हूँ अगर यार मेरे पास ग्लू होल रहता है तो देख के जाना यहाँ पे एक और बंदे की, यहाँ पे इधर के साइड में मैंने सुताई करी थी तो यार ईजी हो जाता है यहाँ से गेम, मतलब क्या ही बोलूँ। तो क्या फ्रेंड्स यार ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो, ये वाली सिंपल ट्रिक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। ये वाली सिंपल ट्रिक्स का वीडियो आपको अच्छा लगा होता है लाइक कर दो, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो क्या फ्रेंड्स यार बाय, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स यार बाय।